सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। मगर जो देश के सामने समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, रोजगार की समस्या, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। अब ये बता दो फाइनल रिजल्ट क्या हुई? रिजल्ट क्लियर बाकी ना? तरह से लोग निकल करके आए हैं वो यकीनन किसी बदलाव की तरफ संकेत है। तो जो अब तमाम राजनीतिक दल दूसरे चरण को लेकर के तैयारियां शुरू कर रहे हैं, रैलियां शुरू हो गई है। जिस दिन मतदान हुआ उस दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महागठबंधन से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन तमाम नेताओं की, जो बड़े नेता कहे जाते हैं, उन तमाम नेताओं की रैलियां भी हुई हैं। तो दूसरे चरण के मतदान को लेकर, यानी इस पूरे तरह के मुद्दे आए, क्या कुछ कमियां राजनीतिक दलों ने, पहले जो मतदान को लेकर के चुनाव प्रचार का जो समय था उस बीच में वो मुद्दे कौन से थे जो छूट गए और जिसे तमाम राजनीतिक दल दूसरे चरण के मुद्दों में आकर के उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वो किस तरह की चीजें जो है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार जो है किस रुख पर जाएगा, कितनी उसमें आक्रामकता दिखाई देगी, ये तमाम चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से आते हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आबिद अनवर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। उपेंद्र जी, आपसे ही जानना चाहते हैं, जाहिर है मतदान के जो नतीजे आएंगे और जिस परसेंटेज के साथ मतदान होता है उसके बाद ये तस्वीर तय हो पाएगी कि अगले चरण में क्या कुछ होने वाला है, मुद्दे क्या, किस तरह के रहेंगे, क्या रहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इसे? ये सवाल मुझसे, सवाल ये, हाँ उपेंद्र जी, अच्छा मुझसे, उपेंद्र जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, तो मैं समझा कि आपने अनवर से पूछा है। तो अभी देखिए, ये जो मुद्दे थे वो अब स्पष्ट कर रहे हैं। आज मोदी जी का जो भाषण हुआ उसमें उन्हें स्पष्ट करना पड़ा कि हमारे एनडीए में क्या कौन कौन लोग हैं। अभी तक था कि चिराग को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई थी कि बिहार एनडीए में तो चिराग नहीं है, केंद्रीय भारतीय राजनीति में एनडीए का हिस्सा है, ये है नहीं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ उनको लग रहा है कि नुकसान हो रहा है। और बात यह आई थी कि चिराग पासवान ने बीजेपी का जो उम्मीदवार है राघोपुर से, जहां से तेजस्वी चुनाव लड़े हैं, वहां भी अपना उम्मीदवार दे दिया है, बीजेपी का उम्मीदवार है। तो उससे वहां के जो बीजेपी के लोग हैं परेशान हैं, आप तो तेजस्वी को जाने के लिए सीधे कॉन्टेस्ट हो रहा था, उसको टेंडर बनाने के लिए आपने दे दिया। तो कुछ ना कुछ दबाव पड़ा है, इतने दिनों का जो चुनाव प्रचार है, चुनाव अभियान है, तो कुछ इनको लग रहा है कि चिराग से जेडीयू को ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए को नुकसान हो सकता है। तो आज नरेंद्र मोदी को एक खुलकर कहना पड़ा है कि हमारे एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है, वीआईपी है और हम है। तो कुछ तो आप देख रहे हैं कि आज से कुछ ना कुछ असर पड़ा है। और ये लोग बहुत मार्केटिंग सर्वे और क्या क्या सब करवाते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे आगे है। तो जो नब्ज क्या है वो उनको पता चल जाता है। तो एक नया बदलाव आगे आया है। अभी तक उन्होंने निंदा तो नहीं की है चिराग पासवान की, लेकिन स्पष्ट कर दिया है कि वो हमारे साथ नहीं है। और वोटिंग परसेंटेज के बाद, हाँ अंजार जी, आबिद अनवर साहब, आबिद अनवर साहब जी, जी। तो क्या आगे आने वाले समय में जिस तरह से उपेंद्र जी बता रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां नजर आई हैं, कुछ बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच में भी नजर आ रहा है, साथ ही साथ बदलाव जो है वो एनडीए को क्लियरिफाई कर रहे हैं कि चिराग पासवान उसका हिस्सा नहीं है, उनको लगता है कि शायद इसका नुकसान है, आपको जो है ये किस तरह का बदलाव नजर आता है? देखिए, जो जो इलेक्शन आगे बढ़ रहा है वो बीजेपी एनडीए को अपनी औकात का पता चल रहा है। तो ये आप इसके बहुत सारी तब्दीली देखेंगे।
जिनमें उनका आगे जो मुद्दा हो सकता है वो ये कि राम मंदिर का है को उठा रहे हैं वो कि हमने ये हमारा कारनामा है। देखिए गुज़िश्ता पिछले 6 वर्षों में उनको गिनाने के लिए सिर्फ 3 ही मुद्दे हैं जो कहते कि हमने किया है। एक 3 तलाक का है, दूसरा आपका दबा 370 का है, और तीसरा जो है वो सीए कानून है। और यही वो हर जगह वो कहते हैं, जब 6 साल पूरे हुए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमने ये काम किया है। और इसी देखिए बीजेपी इवेंट की पार्टी है, हकीकत से कभी भी उनको कोई लेना देना नहीं रहा है, इवेंट करके यहाँ तक पहुंच को इकट्ठा करता है, यही बीजेपी और मोदी जी करते हैं। देखिए मोदी जी के खास बात है कि जहां भी जाते हैं वो इसी तरह बातें करते हैं। जैसे इससे पहले जैसे आपको याद होगा जब ये झारखंड में इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि सीए की मुखालफत वो कर रहे हैं जो मुखालफत करने वाले कपड़े से पहचाने जाते हैं। तो उनकी पूरी राजनीति, पूरी सियासत, पूरा उसका बयान मुल्क को तकसीम करने वाला और समाज को बांटने वाला रहा है, और बिहार में भी यही तरीका अपना रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये देखिए कि बिहार में आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है, सिर्फ आपको ये दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे पटना का बाजार मोदी के होर्डिंग से पटे हुए हैं, हर 10 मीटर के ठीक है, ठीक है। उपेंद्र जी हमारे साथ हैं, बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं। उपेंद्र जी, आबिद अनवर साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट रही है, और ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव, जब चुनाव आए हैं उसमें हिंदू मुस्लिम मुद्दे को उठाती नजर आई। फर्स्ट फेज में कोशिश की गई थी लेकिन फिर जो बड़े नेता हैं उन्होंने उस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब जबकि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया है और जिस तरह की बात आबिद अनवर साहब कहते थे नजर आ रहे, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जब कैंपेन बढ़ेगा तो ये सारे मुद्दे जो है बड़ी आक्रामकता के साथ उठते हुए नजर आएंगे? देखिए मुद्दे तो जितनी आक्रामकता से उठा रहे हैं, लेकिन बिहार में मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं बना। झारखंड में भी उन्होंने बहुत कोशिश की, झारखंड में कितनी बुरी हार हुई, झारखंड में भी कोई जजमेंट आया था, उसी के बाद चुनाव हो रहा था, वहां हार गए। पिछले बार में विधानसभा चुनाव में इन्होंने पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे और गाय का मामला, गौ मांस का मामला, क्या क्या था, जितना भी जो हिंदू सेंटिमेंट्स को भड़काने वाला मुद्दा था पिछले चुनाव में उठाया था, वो नहीं काम आया। वो ये मुद्दा जो है, बाबरी मस्जिद का मुद्दा या मंदिर का मुद्दा या 3 तलाक का मुद्दा, लगता है बिहार में जो कॉमनर इश्यूज हैं, खास करके जो एंटी मुस्लिम फीलिंग फैला करके हिंदुओं का वोट लेने का, ये काम नहीं आता है। हाँ, दूसरे यानी राजनीतिक दल ये समझते हैं कि कम्युनल लाइन पे अगर हम जाएंगे तो उसमें सक्सेस नहीं हो सकता। बीजेपी के स्थानीय नेताओं को पता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बीजेपी के जो बिहार से बाहर के हैं, जो गुजरात के, हमको लगता है क्लिक कर जाएगा, लेकिन हो सकता है यूपी में इसका फायदा हो, क्योंकि बिहार में पहले भी फायदा नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी को कॉमनर इश्यू का। हो सकता है जो जाति समीकरण उनके पक्ष में चला गया जिसके कारण वो जीत गए हों, और जाति समीकरण उनके पक्ष में गया है, जब जेडीयू और बीजेपी इकट्ठे हो जाते हैं कास्ट इक्वेशन उनके पक्ष में चला जाता है, इसके कारण उनकी जीत होती है। कोई कॉमनर इश्यू हो सकता है कोशिश करे, लेकिन हमें लगता है बिहार के जो स्थानीय नेता है वो मना करेंगे कि आप इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि बिहार के लोग जो कॉमनर उस तरह से नहीं है। हाँ ठीक है, जब राइट होता है तो भामा में बहकर कुछ उन्माद में कुछ लोग कर देते होंगे, लेकिन अदरवाइज वहाँ है जो कॉमनर इशू बिहार में पिछले कुछ सालों से, खासकर 90 के बाद से, वो नहीं है। 90 पहले बहुत था, उसके बाद भी छुटपुट एक दो घटनाएं घटी है, लेकिन उन्माद आता है उसी समय, कुछ समय तक रहता है, लेकिन उसका चुनाव में आप फायदा नहीं उठा सकते। नहीं, लेकिन जिस तरह से मुंगेर की घटना को कैश कराने की कोशिश की जा रही है ये उसी का नतीजा है। मुंगेर की जो घटना है तो कोई कॉमनल इशू उस तरह से नहीं लग रहा है, ये तो वहाँ के प्रशासन की मूर्खता है, या पता नहीं अब क्या इसका इंटरनल पॉलिटिक्स भी होगी, क्योंकि जो एसपी है वहाँ की वो आरसीपी सिंह की बेटी है, आरसीपी सिंह है जो नीतीश कुमार के दो सबसे नजदीक लोग हैं वहाँ, एक ललन सिंह है, दूसरा आरसीपी सिंह है, ये है दोनों, बल्कि लोग कहते हैं कि आरसीपी सिंह और ज्यादा नजदीक है,
उनकी बेटी ने किया है, हमें लगता है क्या पता कुछ खटपट हुआ हो, कुछ रंजिश हुई हो, क्योंकि यह तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय था। एक तो रोक देना चाहिए था कि अभी भसान नहीं, मूर्ति का भसान नहीं होगा। मूर्ति का भसान जब हो रहा है, अभी रात को हो रहा है, तुम तेजी से बढ़ो, भाई धीरे से बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक घंटे के बदले अगर 2 घंटे तक विसर्जन स्थल पर पहुंचेंगे तो क्या होगा। ये पूरी की तरह से एसपी या डीएम जो भी हो उसकी भारी मूर्खता है, जिसका भी नुकसान जनता पार्टी को हो सकता है और जेडीयू को भी हो सकता है। लेकिन कम नहीं सुनाई लग रहा हमको, वो पूरा जो प्रशासन की विफलता है और हिंदू सेंटिमेंट्स को उससे नुकसान हुआ होगा, हिंदू सेंटिमेंट सरकार के खिलाफ हुई होगी। ठीक है, ठीक है। आप आनंद भाई साहब, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में रणनीति में बदलाव होगा? बिल्कुल, रणनीति में बदलाव होगा और तब्दीली आएगी। देखिए अच्छी है, किस तरह का बदलाव आएगा? नहीं, नहीं, क्या मुद्दे चेंज हो जाएंगे? नहीं, मुद्दे जो अब तक गायब था, दूसरे चरण के मतदान से पहले उस पर डिबेट होगी क्या? देखिए विकास तो मुद्दा बिहार में है, और आपको तेजस्वी यादव की सभाओं में, उनके जलसों में, रैलियों में जो भीड़ नजर आ रही है, वो एक विकास का मुद्दा और रोजगार और नौकरी का मुद्दा है। क्योंकि बिहार से जो नौजवान गए हैं, करीब यहाँ से मजदूर या नौजवान जो गए हैं छोड़ करके लॉकडाउन के दौरान या उसके बाद, 40 लाख के आसपास नौजवान गए हैं, वो बिहार में हैं। और जो जो तब्दीली और जो भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार के खिलाफ जो नारे लग रहे हैं, जो उसके उनके लीडरों को दौड़ा दौड़ा करके भगाया जा रहा है, ये उन्हीं नौजवानों का कारनामा है जो यहाँ से के बुरी तरह पिसा के गए हैं और बहुत ही मजबूरी की हालत में गए। मैं बताना चाहता कि हम सब जानते हैं कि वो किस सदस्य यहाँ से गए थे, एक बात। दूसरी बात क्या है ये कि देखिए, तब जो इलेक्शन आगे बढ़ेगा, ये चूंकि एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कि वो कुछ तो कहने के 15 साल हुकूमत करने के बाद अगर अभी भी ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने क्या किया, तो इससे बढ़कर की जहालत और कहते मूर्खता की कोई बात नहीं। नहीं, प्रधानमंत्री ने आज की अपनी रैली में साफ तौर पर लालू यादव के जंगल राज का युवराज करार दिया तेजस्वी यादव को। देखिए, मैं वही बता, देखिए दो फर्क है। हाँ। जो लोग यानी कि उस दौर को जानते होंगे, मैंने भी उस दौर को देखा है। ये पूरे मुल्क में ही देखिए, तरक्की का दौर कब शुरू हुआ? हकीकत मानो में तरक्की का दौर शुरू हुआ है जब मनमोहन सिंह के दौर 2014 से लेकर के 2014 तक। 2014 के आपको मैं बता दूं, जो जमीन की कीमत 3,000 रुपए कट्ठे थी, कट्ठा बिहार में हुआ करता था, उसकी कीमत सीधे क्या कहते 50,000 हो गई। और इन 10 वर्षों के दौरान लोगों ने बे इंतहा तरक्की हुई, लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ, पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया गया, हाईवे का जाल बिछा, जिसकी वजह से लोगों को हर तबके को रोजगार मिला और उसको फायदा हुआ, जमीनें गई और जमीन की जो है अच्छा मुआवजा मिला। जिस तरह से लोग पर सवाल पर ये पैदा होता है, जमीन पे तो बात नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, मैं आपको आज भी बिहार में 61% लोग लैंडलेस है वहां पर। हाँ, नहीं, जिनके पास भी है, मैं आपको बता रहा, जो लोग हुए हैं, जो आपको बिहार में तरक्की दिख रही है या कहते गाड़ी घोड़ा दिख रहा है, इसमें नीतीश कुमार का कोई अपना रोल नहीं है। जो कुछ है, देखिए, मैं आपको अर्च में क्लियर कर दूं कि बिहार के साथ लालू यादव के दौर में खासतौर से जो एनडीए का 6 साल रहा है, इतना शौचालय सलूक हुआ है, अगर आप सारे क्या कहते हैं, आप फैक्ट फिगर निकाल करके देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने लालू के साथ क्या किया था। मैं आपको बता दूं, अगर आंध्र प्रदेश को 2 रुपए मिलता था सेंटर से, तो लालू यादव को 40 पैसे भी नहीं मिलते थे। ये बड़ी अनदेखी थी, जिसकी वजह से अच्छा, ये नहीं कि पूरे मुल्क में इसी तरह के हालात थे, तरक्की नहीं थी। तरक्की का दौर जो कब शुरू हुआ है, कब से शॉपिंग मॉल और दुकानें और मकान सब कुछ बनने शुरू हुए, आप इसको देखिए। अब फिर तरक्की का अंदाजा लगाइए, अब फिर जंगल के राज। अच्छा, जहां तक जंगल के राज की बात है, जंगल के राज किसने कहा था? पटना हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने कहा था। क्या उसके बाद के हालात पूरे मुल्क में जंगल राज से बदतर नहीं है? क्या किसी जज ने कहा? तो सिर्फ एक तबके को, एक कम्युनिटी को उनको टारगेट करना था, उन्होंने टारगेट किया और एक इस तरह वहीं से निकली जंगल राज का, जिसको उन्होंने बीजेपी के लिए था वो, और बीजेपी ने उसको हर चुनाव में जबरदस्त तरीके से भुनाने की कोशिश की। ठीक है, उपेंद्र जी हमारे साथ हैं। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि बात विकास
जाहिर है कि इस फेस में अगर हम देखें तो दो चीजें उभर करके आएंगी, जैसे जैसे जो है नतीजों के दिन करीब आते जाएंगे, मतदान चूंकि तीन फेज में मतदान होने हैं तो अब दूसरे चरण का मामला सामने आएगा, तो उससे पहले तमाम राजनीतिक दल जो उनका जात बिरादरी का तनासुब है उसको लेकर के आगे आएंगे, उसके अलावा क्या कुछ मुद्दे होंगे, किन चीजों को सामने लाया जाएगा, उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए मुद्दे तो वहां दो ही हैं, एक मुद्दा है लालू यादव, दूसरा मुद्दा है नीतीश कुमार। हाँ। ये दो के अलावा और जातियों के मुद्दे हैं, इसके अलावा विकास कोई मुद्दा नहीं है, मतदाताओं के लिए कोई मुद्दा नहीं है, जो प्रचार कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ प्रचार करने का मुद्दा है, इसलिए जिस तरह से विकास के मुद्दा हावी होना चाहते वो जोड़ना चाहते हैं, लोग बोलते हैं पिछले चुनाव विकास करते हैं, नहीं नहीं विकास का मुद्दा जिस तरह से हावी होना चाहिए था, बिहार जिस पिछड़ेपन से दो चार है, ठीक है ना, वो चीज तो उस तरह से नहीं आ पा रही है, चाहे आप तेजस्वी की रैलियों को देख लीजिए या फिर जो है एनडीए की रैलियों को देख लीजिए, वहां वो नौकरियों की बात करते हैं, यहाँ वो जो है मंदिर मस्जिद और उस तरह से चीजों को देख रहे हैं, विकास पे उस तरह की डिबेट नहीं हो रही है। देखिए विकास पर इसलिए डिबेट नहीं हो रही है कि विकास लोगों के बीच में मुद्दा ही नहीं है, जो लोगों के बीच में मुद्दा ही नहीं रहेगा तो चर्चा क्या होगी, यहाँ मुद्दा यही है कि नीतीश कुमार की सरकार है उसकी विफलता या उसके खिलाफ जो असंतोष है, ये जो लेबर का जो मामला है, माइग्रेशन हुआ आने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने रोक दिया, नीतीश कुमार ने कहा कि मत जाने दो, जहाँ है उसे वहीं रोक दो, वो एक बहुत बड़ी घटना है, वो चुनाव का मुद्दा हो सकता है, उसका हुआ तेजस्वी का फाइल जो भी विफलता रही है, खास करके इधर चार पांच साल से पहले नीतीश कुमार की सरकार में कुछ काम हुए थे, अब है कि इधर भ्रष्टाचार तो है बहुत बढ़ गया, लोग बतला रहे हैं, फिर कि जो बहुत सारे जो काम पहले होते थे अब नहीं होते हैं, तो ये जो अकर्मण्यता है सरकार की, ये सरकार की जो विफलता है, बाढ़ भी आई, बाढ़ में बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ, और पहले भी बाढ़ आती थी लेकिन पहले इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट नहीं होता था, करप्शन तो हमेशा रहा है, इस बार कुछ ज्यादा हो गया, ये सब जो विफलता है, एक है नीतीश कुमार की विफलता, दूसरा आ गई लालू राज के समय में जो भी अराजकता आ गई थी, मैं अनुगढ़ साहब से सहमत नहीं हूँ, उसमें था बहुत बड़ा इशू था, और उसी को ये आज याद दिला करके नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, उसी को याद दिला करके चुनाव जीतना चाहते हैं, ये मामला। एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बीजेपी की तमाम बड़े नेता गुजरात मॉडल की बात किया करते थे, गुजरात को ऐसे मॉडल पेश किया करते थे, लेकिन क्या वजह है कि बिहार जो एक पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार जहां पर विकास की बात होनी चाहिए, गुजरात में जिस तरह का विकास या जिस मॉडल की बात की जा रही है, यहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेता खामोश हो जाते हैं, क्यों? देखिए विकास तो बिहार में भी हुआ है, नहीं तो के बारे में आप आंकड़ा देख लीजिए, सरकारी आंकड़ा है, उस समय जो सरकार थी वो नीतीश कुमार की पक्षधर सरकार नहीं थी केंद्र में, लेकिन उसी में जो सरकारी आंकड़ा आता था सांख्यिकी विभाग का मनमोहन सिंह सरकार का, 14% 13% 14% बहुत साल तक बिहार है जो की विकास दर मामले में नंबर वन रहा, हुआ बात नहीं, विकास नहीं होता तो इतने बड़े मॉल कैसे खड़े होते, मैं जाता हूँ गांव वगैरह में, वो खरंजा वगैरह बिछा हुआ है, पहले सड़कें ये होती थी, कच्ची सड़कें होती थी, सड़कों के बीच में ना करती थी, लेकिन मैं इधर जाता हूँ वैसी बात नहीं है, वो विकास हुआ, असली समस्या के पीछे चार पांच साल से कुछ नहीं हुआ है, उसके पहले हुआ था पिछले जो 3-4 साल स्थिति खराब होते जा रही है, और वही एक बड़ा मुद्दा है विपक्ष के लिए। बहुत बहुत माफी के साथ उपेंद्र जी, बहुत माफी के साथ चूंकि हमारे पास वक्त खत्म हो गया है, आबिद साहब आपका, उपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जाने से पहले अपने तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि वो फ्रीडम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चूंकि नॉन प्रॉफिट चैनल है आप इसमें अपना सहयोग भी दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब, शुक्रिया बहुत।